नमस्कार, मेरा नाम रक्षित गुप्ता है और आज मैं आपको एक ऐसे दौर में ले जाने वाला हूँ जब हमारे देश का हर नागरिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। एक ऐसी लड़ाई जिसमें भ्रष्टाचार, मार काट, अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी थी। दंगे फसाद, नारेबाजी जैसे आम था, लेकिन करोड़ों भारतीयों का देश के लिए बलिदान चीख चीख कर कह रहा था, यह देश हमारा है और हम पीछे नहीं हटेंगे। और इन करोड़ों बलिदानियों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपना जीवन भारत माँ की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1897 23 जनवरी को एक ऐसे महान वीर ने जन्म लिया जिसने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के दर्शन शास्त्र से ग्रेजुएशन किया था। उनके पिता कटक के जाने माने वकील थे। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले अग्रणी नेताओं में से एक थे। उन्होंने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के तौर पर सेना को संबोधित किया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के तौर पर आजाद भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसका नारा था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। नेताजी के मुताबिक उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। नेताजी का कहना था कि अगर बच्चों की परवरिश अच्छी हो तो उनमें संस्कार के प्रति लगाव और देश के प्रति प्रेम होता है। नेताजी के मुताबिक अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें पता चलता है कि संघर्ष से मनुष्य में आत्मविश्वास आता है। नेताजी का कहना था, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य जो हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, अमूल्य हैं। मैं सुभाष चंद्र बोस के इस बलिदान को आदर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।